हेलो गाइस एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। सो वी विल डिस्कस अबाउट इन नेस्टेड लूप इन सी प्लस प्लस में नेस्टेड लूप क्या यूज़ करते हैं, हम किस तरह यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताना था आपको नेस्टेड लूप, सो मैंने कहा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो उसमें टाइम भी शॉर्ट था। सो नाउ आज हम डिस्कस करते हैं नेस्टेड लूप के बारे में। एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसकी मदद से मैं आपको बताऊँगा नेस्टेड लूप क्या है। प्रोग्राम यह है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू डिस्प्ले द पैटर्न लाइक राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग एन एस्ट्रिक फॉर एग्जाम्पल स्टार शेप। गो टू एडिटर द पैटर्न लाइक, इस तरह का पैटर्न हमने चाहिए, ये देखिए इस तरह का। तो जब इस तरह का कर चाहिए तो बाई यूजिंग लूप तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए स्टार मेथड फॉर एग्जाम्पल यूजिंग लूप। सो शार्प इंक्लूडिंग आइसक्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, तो आप जानते होंगे मेन फंक्शन जो है हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे ही है। फॉर इंट मैंने ये देखे इनिशियलाइजेशन किया, फिर मैंने आई लेस देन फाइव आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट। इसी का नेस्टेड लूप में भी फोर इसी बिल्कुल इसी तरह होता है काम, जिस तरह हमने ऊपर किया था। इसमें भी हमने एक वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन किया। एंड आपको ये पता होना चाहिए जो फर्स्ट लूप है ना, फर्स्ट ये वाला, ये शो करेगा कॉलम रो को ये शो कर रहा है रो को। जो सेकंड वाला लूप है जिसे हम नेस्टेड लूप भी कहेंगे, इस तरह यूज़ करने के लिए ये यूज़ होता है कॉलम के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इससे। सो गाइस आपके सामने ये मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, और इसका मतलब कंडीशन है, और इसका मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। सो शुरू हम यहाँ से करेंगे। इस लूप का तो मतलब आपको मैंने बताया कि रो है, क्या रो, ये वाली रो को शो करेगा, और ये वाला लूप जोन सा है ये वाला कॉलम को शो करेगा, ऐसा ही है। सो फर्स्ट हमें यहाँ पर एक स्टैटिक चाहिए, ऐसे ही ज़ीरो की जगह, फिर वन टू की जगह ये दो, फिर ऐसे और फिर यहाँ पर हमें चाहिए, ऐसे ही है। सो सिंपल इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको पता होना चाहिए पहले आई लेस देन फाइव है, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ज़ीरो आएगी, फिर वन टू थ्री एंड फोर, पर फाइव नहीं लिखा जाएगा इंक्लूड नहीं, क्योंकि मैंने इक्वल टू का निशान नहीं लगाया, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ज़ीरो वन टू थ्री और फोर तक ही वैल्यू आएगी। इसी तरह इसी लूप में ये कॉलम के लिए रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह ज़ीरो वन टू थ्री और फोर और फाइव इंक्लूड नहीं होगा। सो हमारा प्रोग्राम का मकसद क्या था कि ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है वैल्यूज़, इनकी जगह हमें स्टैटिक रिप्रेजेंट करानी है, ऐसा ही है। सो बताता हूँ मैं आपको आगे इसका स्ट्रक्चर बेसिक। सो गाइस आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हमने लॉजिक लगाया, इफ वाली कंडीशन पे मैं चाह रहा हूँ कि ये साथ हमें शो हो। ये देखें इफ़ जे इज इक्वल टू ज़ीरो, फॉर एग्जांपल जे क्या है, फर्स्ट रो है, जे इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब पहला कॉलम पूरा रिप्रेजेंट करना है हमने ये पूरा, तो इसके लिए मैंने लगा दिया जे इज इक्वल। इसके अलावा मैंने आगे पाइप साइन का यूज़ किया, इसका मतलब है और मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट रो में, वन की जगह नहीं मुझे कुछ चाहिए, वन मतलब पहली रो में फुल आगे मुझे सिंपल ब्लैंक चाहिए, वन ज़ीरो वन। कॉलम में देखें तो मुझे टू कॉलम चाहिए पर वन वाला नहीं चाहिए, तो मैंने आई पे इधर लॉजिक लगाया आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब आई बड़ा है वन से, वन इंक्लूड नहीं, वन इंक्लूड है ज़ीरो नहीं शामिल, मतलब पहले ज़ीरो आना था इंडेक्स वैल्यू में, मैंने इस लूप को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला कॉलम और ये वाला रो को, ऐसे ही पहले हम रो के लिए चाहिए मुझे रो, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए था, ऐसा ही। तो मैंने यहाँ पर लगाया आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, आई वन से बड़ा है छोटा और बराबर है ज़ीरो के नहीं है, तो ज़ीरो इंक्लूड नहीं हुआ इधर, ये ज़ीरो वाली रो थी, ज़ीरो वाली रो में नहीं आया तो वन में इंक्लूड हो गया। और मैंने जे इज इक्वल टू वन मतलब ये वाली रो इंक्लूड कॉलम रिप्रेजेंट कराना था, और जे इज इक्वल टू वन लिख दी। इसके अलावा और मैंने क्या करना है, मुझे अब ये वाली रो भी चाहिए, ऐसे ही है। तो इसके लिए मैंने किया है i ग्रेटर देन इक्वल टू टू, मतलब i ग्रेटर देन इक्वल टू टू, मतलब टू पे आए ये वाली रो इंक्लूड हो पर ज़ीरो और वन इंक्लूड ना हो, तो मैंने टू के इक्वल कर दिया, ज़ीरो और वन इंक्लूड इसमें नहीं होंगे।
तो ये टू इंक्लूड हो गया और मुझे ये वाला कॉलम भी चाहिए था, तो जे इज इक्वल टू टू। इसी तरह मैंने किया आई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, आई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। मसलन ये तीन रो से ग्रेटर और इक्वल है, मसलन रो मुझे तीसरी चाहिए, ऐसे ये वाली थ्री है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब बराबर है, जीरो और वन टू इंक्लूड नहीं होंगे और रो कॉलम ये। इसी तरह मैंने जे ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है, मतलब इसके बराबर होगा बस और ये नहीं है। चलिए हम रन करके आप देखते हैं, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको सब कुछ। इसके अलावा एक और एग्जांपल करेंगे, उसमें आपको मज़ीद नेस्टेड लूप की समझ आएगी। जी फर्स्ट कंडीशन आपको पता होना चाहिए नेस्टेड लूप में कि जो फर्स्ट वाला है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा रो को, ये रो को और ये सॉरी ये रो को और ये वाला कॉलम को, ठीक है। ये लॉजिक सो जब ये वो चीज़ें आएँ तो मैंने कहा सी आउट हमें प्रिंट चाहिए स्टैरिक, ऐसे ही उन शेप में हमें स्टैरिक चाहिए। उसके अलावा जो है ये स्पेस इंक्लूड हो जाए, ऐसा ही है। और सी आउट एंडल मतलब एक ही लाइन में हमें नहीं चाहिए, एक अलग लैंड एंडल आए, मतलब एक रो कंप्लीट और दूसरी रो उसके आगे शुरू ना, उसके अगली नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन चाहिए हम उसके लिए। सो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। सो चेक दिस, जिस तरह पहली रो मुझे चाहिए थी कि जे ज़ीरो हो, ऐसा ही है, तो जे पहला कॉलम आ गया और आई लेस देन इक्वल टू वन और जे इज इक्वल टू वन, ऐसा ही है। सो गाइज ये छोटा सा एक और हम छोटा सा बनाएंगे डायमंड की शेप में, इस तरह डायमंड में एक और नेस्टेड लूप आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम एक छोटा सा और प्रोग्राम करके आपको दिखाते हैं कि सारा कुछ हमें डायमंड की शेप में डायमंड बनाना हो तो वो किस तरह करेंगे। सो गाइस लग रहा है कि आप थक गए होंगे, चलो वो वाला मैं लूप मैं सोच रहा हूँ प्रोग्राम वो है नेक्स्ट उसने ट्यूटोरियल में बना देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।